जितने साधक साधना कर रहे होते हैं, जितने तप तप कर रहे होते हैं, जितनी पवित्र नारी स्त्री पतिव्रता धर्म का पालन कर रही होती है, जितने दान पुण्य स्मरण हो रहे होते हैं, उस समय पर जिस समय तुमने घंटी बजाई है, उस पल वो सारे पुण्य घंटी का नाद करते से तुम्हारे खाते में आ जाते हैं, मात्र घंटी का नाद करते। शंकर जी के मंदिर में जाकर ताली का नाद किया जाता है। ताली का नाद शिव मंदिर में क्यों बजाई जाती है? उसका कारण, उस मंदिर में जितने बैठे होंगे, जो भजन कर रहा, तप कर रहा, साधना कर रहा, अभिषेक कर रहा, पूजन कर रहा, तीन बार ताली बजाने से उनका सारा का पुण्य हमारे खाते में एक सेकंड में आ गया। पर हमें लगता है हम शंकरपुर जा रहे हैं, शंकरपुर जाए शिव ने तुरंत दे दिया। घर में करूं घंटी का नाद करना, इसलिए बच्चों को खेलने के लिए घंटी नहीं दी जाती। करूं घंटी कोई खेलने के लिए नहीं देता, खिलौने दे देंगे, दूसरा सामान दे देंगे, पर गरुड़ घंटी नहीं देंगे। क्यों नहीं देते? क्योंकि गरुड़ घंटी का जब नाद करा जाता है तो सबका पुण्य हमारे खाते में आ जाता है। कोई साधारण घंटी बजाना, पूजन के समय पर, स्मरण के समय पर, भजन के, इसलिए घंटी भी हर कभी नहीं बजाई जाती, समय समय पर। और आपसे भी निवेदन है, मंदिर में भी जाओ ना तो घंटी का नाद करो तो बड़े प्रेम से करो, ऐसा नहीं कि तुम लेट बजाए जाओ बजाए जाओ बजाए जाओ, ऐसा ही नहीं कि लटकी है तो बजाए जाओ, कहां मतलब वो घंटी को बजाने के लिए आएगी, नहीं, उसका एक समय, उसका एक संबोधन, उसका एक आनंद। कई मंदिरों में मंदिर का पट बंद हो जाता है, दरवाजा बंद हो जाता है, तो भी लोग घंटी बजा रहे, दोष भगवान अगर मंदिर में सो रहे हैं, लिखा हुआ है मंदिर के खुलने का समय इतनी बजे से इतनी बजे तक, मंदिर बंद है तो घंटी नहीं बजना चाहिए। जिस जगह पर ब्राह्मण विद्वान है, साधक है, संत है, साधु है, मंदिर अगर बंद होता है तो उसके साथ में घंटी के नीचे के भाग को रस्सी से ऊपर बांध दिया जाता है जिससे बजेगा। क्यों? कहते हैं अगर भगवान अगर विश्राम कर रहे हैं, सो रहे हैं, निंद्रावश है या पट बंद है, उस समय पट बंद का समय है और घंटी का अगर नाद हो जाए तो कहते हैं 11 ब्राह्मण के भूखे रहने का दोष लग जाता है जीव को, मात्र घंटी बजा देने पर, अगर भगवान विश्राम कर रहे हैं।